हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तुम्बिला टेक सॉल्यूशन। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आशीष तुम्बिला। आज मैं एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का जो टॉपिक है वो है कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। अब तक मैंने जो भी आप लोगों को टेस्टिंग के बारे में बताया है, वो मैंने जो भी टेस्टिंग किया है वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म, मतलब एक सिंगल हार्डवेयर, जैसे कि मैं अपना लैपटॉप पर करता था, प्रोसेसर मेरा जैसे एक सिंगल प्रोसेसर यूज़ करता था, एक रैम भी पर्टिकुलर रैम पे करता था, और ओएस भी मैं जैसे विंडोज़ यूज़ करता था, और फिर ब्राउज़र क्रोम पे मैं आप लोग को दिखाता था। बट आज का जो टेस्टिंग है ये एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे नहीं होगा। जैसा कि आप लोग नाम सुन रहे हैं, कि नाम सुन के आप लोग को पता चल रहा है कि ये कंपैटिबिलिटी, आज के डेट पे ये इस चीज़ का कितना वैल्यू है। आप जब भी कोई चीज़ ख़रीदते हैं, जैसे मान लो मोबाइल का चार्जर ख़रीदते हैं, मोबाइल का ईयरफोन्स ख़रीदते हैं, तो सबसे पहले आप क्या चेक करते हैं? क्वालिटी तो चेक करते ही हैं, ब्रांड देखते ही होंगे, बट देखते हैं कि वो उस डिवाइस, आपका पास जो फ़ोन है उसके साथ कंपैटिबल है कि नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसी तरह का ये टेस्टिंग जो करते हैं सॉफ्टवेयर, वो भी कंपैटिबल है कि नहीं बाकी सारे ओएस के साथ, बाकी सारे जो प्लेटफॉर्म है, अलग अलग हार्डवेयर है, उन सब के साथ कंपैटिबल है कि नहीं, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर बाद में अगर कोई सॉफ्टवेयर, मतलब आप समझ लीजिए किसी ने सॉफ्टवेयर बना दिया, बना के फिर वो डिप्लॉय कर दिया, वो दे दिया कस्टमर को, और समझ लीजिए वो एक दो कस्टमर जो यूज़ कर रहा है, क्योंकि हर एक कस्टमर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, अलग अलग ब्राउज़र यूज़ कर रहा है। कुछ कुछ लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहा है, कुछ लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं चल रहा, तो ये कितना बड़ा इशू हो जाएगा। इसीलिए ये एक तरह का टेस्टिंग है जिसमें हम अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, मतलब अलग अलग ओएस, अलग अलग प्रोसेसर। तो ये जो कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग होता है ये दो टाइप का होता है, मतलब दो तरीके से हम कर सकते हैं इसमें। एक तो एक हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं, और दूसरा एक होता है कि सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी हम चेक करते हैं। हार्डवेयर कंप्लीट मतलब कंपैटिबिलिटी, मतलब आप समझ लीजिए कि मदरबोर्ड, फिर रैम, अलग अलग मदरबोर्ड, मतलब अलग अलग मैन्युफैक्चरर का मदरबोर्ड होता है, अलग अलग रैम होता है, अलग अलग जैसे आपका प्रोसेसर होता है, तो हर तरह का प्रोसेसर, मदरबोर्ड, इन सब में हम टेस्ट करते हैं। और दूसरा एक है सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी। तो ये जो सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी होता है, इस सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी में हम डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्राउज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉम्बिनेशन यूज़ करके हम उसको टेस्ट करके देखते हैं कि सच में ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो आज जो मैं आप लोग को डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो दिखाने वाला हूँ, वो है कि मैं वैसे तो मेरा, मैं आप लोग को अलग अलग ओएस के बारे में नहीं दिखाऊंगा, मैं अलग अलग ब्राउज़र दिखाऊंगा। मैं चार पांच ब्राउज़र आप लोग को मतलब दिखाऊंगा कि एक वेबसाइट, जो एक ही सेम वेबसाइट है, सेम आपका वेब एप्लीकेशन है, उसी सेम वेब एप्लीकेशन को अगर हम डिफरेंट डिफरेंट ब्राउज़र में ओपन करते हैं तो उसमें किस तरह का मिस्टेक्स और एरर्स आ सकता है, और ये सारी चीज़ों को हम कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग में किस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं। तो यही सब मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर, मैं इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग ये किस चीज़ को कहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आगे आपको और ज़्यादा डेफिनेशन का और डिस्क्रिप्शन का ज़रूरत है। तो और हाँ, साथ ही साथ मैं आप लोग को आज ये भी बताऊंगा कि ये जब हम कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग करते हैं तो हम किस तरह का हम डिफेक्ट इसमें मिलता है हमें जब हम टेस्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे के डिफेक्ट होता है, जैसे स्क्रॉल बार कभी कभार नहीं आता है, कभी कभार जो कंटेंट है वो इधर उधर हो जाता है, मतलब स्कैटर हो जाता है, फिर ऑब्जेक्ट जो है वो ओवरलैप करता है, इस तरह का कुछ कुछ डिफेक्ट्स है। तो मैं जब आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा, इस डेमोन्स्ट्रेशन में बताऊंगा कि क्या क्या डिफेक्ट होता है, किस किस तरह का डिफेक्ट हम पाते हैं जब हम अलग अलग ब्राउज़र और ओएस में हम जब इसको टेस्ट करते हैं किसी सॉफ्टवेयर को। बट मैं अलग अलग ओएस नहीं लूँगा, मैं सिर्फ ब्राउज़र, अलग अलग ब्राउज़र में आपको एक ही वेबसाइट को अलग अलग ब्राउज़र में ओपन करके दिखाऊंगा, और उसमें आप लोग को बताऊंगा कि किस किस तरह का डिफेक्ट और किस किस तरह का प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें हम कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग में चेक करते हैं। तो आप लोग को अगर ये सारी चीज़ें आज का, वैसे भी ये सारी चीज़ें मुझे पता है कि आप लोग को बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है, क्योंकि आप लोग ने कभी, मे बी इतने सारे ब्राउज़र्स में आप लोगों ने ट्राई नहीं किया होगा एक एप्लीकेशन को, और आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह का, मतलब बड़े बड़े वेबसाइट जो गूगल है और कुछ कुछ बड़े बड़े वेबसाइट, इन सब में भी इस कंपैटिबिलिटी डिफेक्ट हो सकता है। तो आज मैं ये सब आप लोग को दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, और
जो मेरे चैनल में नए हैं वो एक काम कीजिए, सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि इस तरह के और भी नए नए जो इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आप सबके लिए लेके आऊँगा वो आपके लिए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। तो और फिर हम देर नहीं करते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो का, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट का। तो आई होप कि आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे, क्योंकि आप पूरा देखेंगे तो ही आप समझ पाएंगे कि कंपेटिबिलिटी टेस्टिंग कैसे करते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एज़ यूज़ुअल मैं हमेशा की तरह क्रोम ब्राउज़र मेरा फेवरेट ब्राउज़र है, तो क्रोम ब्राउज़र ओपन करता हूँ आपको। वैसे तो मैं आज चार ब्राउज़र में एक ही एप्लीकेशंस को किस तरह से टेस्ट करके वो बताऊँगा, क्योंकि ये कंपेटिबिलिटी टेस्टिंग है। तो इसमें सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं। ये देखिए मैंने कुछ कुछ वेबसाइट ओपन करके रखा हुआ है पहले से ही, तो मैं बस बताऊँगा कि किस किस तरह का डिफेक्ट आप पाते हैं और किस किस तरह से आपको टेस्ट करना है। इस तरह से आप ब्राउज़र ले लीजिएगा, एक ब्राउज़र जैसे मैंने पहले क्रोम ब्राउज़र लिया है, फिर उसमें ये मैंने एक राजा राजेश्वरी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है तो इसका मैंने एक वेबसाइट ओपन किया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वेबसाइट, इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यही सेम वेबसाइट मैंने यूसी ब्राउज़र में भी खोला है और ये देखिए आप देख सकते हैं। आप क्रोम ब्राउज़र का देखिए, यहाँ पे ये क्रोम ब्राउज़र का कलर जो है, ये बैकग्राउंड ये ब्राउन है, और आप यूसी ब्राउज़र में ओपन कीजिए तो ये जो बैकग्राउंड आप देख पा रहे हैं ये यहाँ का फॉर्म का ये ब्लू है। उस तरह से सेम यहाँ मोज़िला फायरफॉक्स में देखिए, ये फिर से देखिए आप कौन सा कलर है, या ब्राउन कलर है। और नेक्स्ट फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाएंगे, एज जो लेटेस्ट वर्जन है, तो इसमें देखिए ये ब्लू कलर है। तो इससे हम ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि जो भी इन्होंने वेबसाइट बनाया है वो एक्चुअली में भी ये ब्लू कलर भी उन्होंने डाला होगा में, और हो सकता है कि उन्होंने ब्राउन कलर यूज़ किया होगा, हमें ये चीज़ पता नहीं है। बट इससे हमें एक चीज़ पता चल रहा है कि ये जो है ये कॉम्पेटिबल नहीं है, मतलब हर एक ब्राउज़र पे कॉम्पेटिबल नहीं है। या तो ये दो ब्राउज़र, ये मोज़िला फायरफॉक्स और क्रोम, ये कलर सही है, तो अगर ये कलर सही है तो इन यूसी ब्राउज़र और ये एज जो है माइक्रोसॉफ्ट एज का जो ये ब्राउज़र है इसमें ये कंपेटिबल नहीं हो रहा है, या फिर इन दोनों पे अगर एज और यूसी ब्राउज़र पे कंपेटिबल है तो ये गूगल क्रोम और मोज़िला में कंपेटिबल नहीं है, क्योंकि ये कलर चेंज हो जा रहा है, जबकि हमारा कलर सेम होना चाहिए, क्योंकि वो लोग उन्होंने जो वेबसाइट बनाया उन्होंने कोई एक पर्टिकुलर कलर दिया होगा, बट अलग अलग ब्राउज़र में अलग अलग कलर दिख रहा है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि ये जो है मतलब कंपेटिबल नहीं है, इसमें कंपेटिबिलिटी का थोड़ा बहुत इशू है। तो इस तरह का जो कंपेटिबिलिटी है, जो कलर का और थोड़ा बहुत मतलब दिखने में थोड़ा डिफर करे, अलग अलग वेबसाइट अलग अलग ब्राउज़र में डिफरेंट तरीके से दिखे, तो ये जो इशू है, ये जो प्रॉब्लम है, इसको हम लुक एंड फील बोलते हैं। तो लुक एंड फील इशू, मतलब आप देख सकते हैं कि ये इसका लुक मतलब कलर डिफरेंट है, और दूसरे ब्राउज़र जो है दूसरे ब्राउज़र में ये कलर डिफरेंट है, तो हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लुक अलग है। तो इसीलिए ये जो इशू है, ये जो प्रॉब्लम है, इसको हम लुक एंड फील इशू बोलते हैं, लुक एंड फील डिफेक्ट बोलते हैं। चलिए अब दूसरा चीज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट मैंने जो क्रोम पे आते हैं, नेक्स्ट है फ्लिपकार्ट का मैंने ओपन किया है, आप देख सकते हैं ये फ्लिपकार्ट, आप यहाँ से देखिए ये यहाँ से जो भी है सेल्स ऑन फ्लिपकार्ट, देन एडवर्टाइज, देन गिफ्ट कार्ड, हेल्प सेंटर, फिर ये सारी चीज़ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये फुटर पे है ये सारा चीज़। यही सेम चीज़ आपको मैं दिखा रहा हूँ यूसी ब्राउज़र पे। ये फ्लिपकार्ट ओपन करते हैं, ये आप देख सकते हैं ये इस कॉर्नर से चालू हो रहा है, ये यहाँ इस कॉर्नर से, जबकि क्रोम ब्राउज़र पे आप देखिए यहाँ इतना गैप है ये जगह, और ये यहाँ से लेके अंत तक, इसका एंड तक जा रहा है राइट, और बट यूसी ब्राउज़र में आप देखिए ये लेफ़्ट कॉर्नर से चालू होकर हाफ में ये ख़त्म हो जा रहा है, और ये जो है ये जो जितना भी आइकन से ये जितना भी जो इमेजेस है छोटा छोटा लोगो है ये सारा इसके साथ सट गया, इसके एक साथ आ गया है। तो और क्रोम में देखिए ये कितना ज़्यादा गैप दिया हुआ है इन दोनों के बीच में। तो इससे हम बोल सकते हैं कि ये भी एक तरह का लुक एंड फील इशू है। तो क्योंकि इस ब्राउज़र पे जो लुक है वो दूसरा है, फिर क्रोम ब्राउज़र का लुक देखिए,
यूसी ब्राउज़र का लुक देखिए, फिर मोजिला फायरफॉक्स में इसका लुक देखिए, इसमें भी देखिए गैप है, और फिर यहाँ पे देखिए एज, जो माइक्रोसॉफ्ट एज है, देखिए यहाँ पे भी लेफ्ट कॉर्नर से चालू हो रहा है। इससे हम यह क्या बोल सकते हैं कि ये जो फ्लिपकार्ट है इसमें भी थोड़ा बहुत कंपेटिबिलिटी इशू है, जिससे लुक एंड फील चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यही सब चीज़ है, और एक तरह से आप बोल सकते हैं अलाइनमेंट प्रॉब्लम भी, एक तरह से इसमें देखिए अलाइनमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है। ये जो आपका ये लोगो है ये आपका सेंटर अलाइनमेंट पे आ रहा है, देखिए सेंटर पे, और बाकी जो ये है ये देखिए आपका राइट साइड में ये सब डिस्प्ले हो रहा है। तो ये एक तरह से एक अलाइनमेंट प्रॉब्लम भी आप बोल सकते हैं कि अलाइनमेंट में प्रॉब्लम है। तो इस तरह का इश्यू को एक तो आप लुक एंड फील बोल सकते हैं या फिर अलाइनमेंट इश्यूज बोल सकते हैं। तो अलाइनमेंट इशू में इस तरह का इशू होता है, मतलब किसी वेबसाइट पे आपका सेंटर अलाइनमेंट में दिख रहा है, सेंटर में वो कंटेंट दिख रहा है, किसी किसी में आपका राइट साइड में दिख रहा है। तो ये सारा जो इश्यूज होता है तो इसको हम जो बोलते हैं वो होता है कि अलाइनमेंट इशू, इस तरह के इशू को हम अलाइनमेंट इशू बोलते हैं। ये आपका दो तरह का इशू हो गया, और भी मैं आप लोग को कुछ कुछ दिखाने वाला हूँ। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन जो मैं आप लोग को लेके जा रहा हूँ नेक्स्ट, ये एक और देखिए। चलिए फिर मैं एक और एप्लीकेशन के बारे में, एक और वेबसाइट के बारे में आपको बताता हूँ। तो ये जो वेबसाइट है ये आपका देख सकते हैं आप, शिव नादर यूनिवर्सिटी है। तो ये जो शिव नादर यूनिवर्सिटी है, आप यहाँ पे ये एडमिशन के लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये देख सकते हैं आप, ये क्रोम ब्राउज़र में मैंने खोला है, और इसमें देखिए सारा कुछ आप देख पा रहे हैं, सारा कुछ जो भी है कंटेंट यहाँ पे सारा टेक्स्ट फील्ड्स है वो इस तरह से है। नेक्स्ट यूसी ब्राउज़र में आप देखिए, यूसी ब्राउज़र में भी एग्जैक्टली सेम है। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि ये जो वेबसाइट है यूसी ब्राउज़र और क्रोम ब्राउज़र के लिए कंपेटेबल है, दोनों में सेम है। नेक्स्ट जो है ये मोज़िला फायरफॉक्स में खोल लेते हैं, फायरफॉक्स में भी देखिए जो भी है ये एडमिशन फॉर्म है ये सारा कुछ सेम है, सिमिलर है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि ये कंपेटेबल, ये तीनों ब्राउज़र के लिए ये वेबसाइट कंपेटेबल है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एज। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट एज है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो इंटर कैंडिडेट्स नेम है यहाँ का जो ऊपर का जो फ्रेम है ये देखिए ऊपर का लाइन है ये टेक्स्ट बॉक्स का, ये गायब है। इससे हमको ये पता चल रहा है कि ये टेक्स्ट बॉक्स कंप्लीट है नहीं। तो ये जो डिफेक्ट है, इस तरह का डिफेक्ट को हम ब्रोकन फ्रेम बोलते हैं। ब्रोकन फ्रेम मतलब क्या, ये एक कंप्लीट एक टेक्स्ट बॉक एक फ्रेम है बट ये फ्रेम टूटा हुआ है, तो इसीलिए इसको हम ब्रोकन फ्रेम बोलते हैं, ब्रोकन फ्रेम डिफेक्ट। ये कंपेटिबिलिटी का एक तरह का डिफेक्ट बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया लुक एंड फील एक डिफेक्ट है, फिर उसके बाद मैंने और क्या बताया था आपको, अलाइनमेंट वाला एक इशू बताया था इस तरह का अलाइनमेंट। तो उसी तरह से एक ब्रोकन फ्रेम ये भी एक डिफेक्ट होता है कंपेटिबिलिटी में। तो ये देखिए आप, मतलब ये आप बोल सकते हैं कि ये जो वेबसाइट है ये इस मॉज जो माइक्रोसॉफ्ट एज है इस माइक्रोसॉफ्ट एज के लिए कंपेटिबल नहीं है। इसमें मतलब पूरा पूरी कंपेटिबल नहीं है ये नहीं बोल सकते, छोटा मोटा इश्यू है कंपेटिबिलिटी का जिसकी वजह से ये फ्रेम ब्रोकन हो मतलब टूट गया है। तो यही सब छोटा मोटा इश्यूज होता है जो कंपेटिबिलिटी इश्यू के अंदर आता है। तो चलिए अब नेक्स्ट मैं दूसरा दिखाता हूँ आपको। और वो है ये एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ये, यहाँ पे देखिए क्राइस्ट, आप सुने होंगे इस यूनिवर्सिटी का नाम है जो भी। तो आप मोजिला नहीं, ये क्रोम ब्राउज़र है, तो क्रोम ब्राउज़र पे पहले चेक कर लेते हैं। ये देखिए क्रोम ब्राउज़र पे इस तरह से लुक एंड फील है इसका न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन का। नेक्स्ट यूसी ब्राउज़र पे चेक करेंगे हम, देखिए ये एग्जैक्टली सेम दिख रहा है, जो भी है सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है। मतलब ये दोनों, ये जो वेबसाइट है ये दोनों क्रोम और यूसी ब्राउज़र दोनों के लिए कंपेटेबल है। मोजिला फायरफॉक्स पे देख लेते हैं, मोजिला के लिए भी ये कंपेटेबल, देखिए एग्जैक्टली सेम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि ये जो वेबसाइट है ये तीनों ब्राउज़र में कंपेटेबल है। नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट एज में आ जाते हैं, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज में आप देख सकते हैं ये आपका ये ऑब्जेक्ट है, ये एक बटन, इसको हम बटन बोलते हैं, ये बटन ऑब्जेक्ट है, ये एक लॉगिन बटन है, ये न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन बटन है। तो ये बटन आप देख पा रहे हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, और ये एक टेक्स्ट, टेक्स्ट भी एक ऑब्जेक्ट की तरफ आप ले सकते हैं। तो ये जो है ये अलग न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, ये टेक्स्ट आप देख सकते हैं ये फ्रेम के बाहर चला गया, देख रहे हैं ना आप। तो इस तरह के जो डिफेक्ट से इसको हम लुक एंड फील भी बोल सकते हैं, और या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ओवरलैप,
ये एक तरह का डिफेक्ट होता है, कंपैटिबिलिटी डिफेक्ट, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओवरलैप। जब दो ऑब्जेक्ट, मतलब समझ लीजिए अगर आप इसको एक ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन ये टेक्स्ट को, और ये बटन को एक ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ऊपर ओवरलैप कर रहा है, तो इस तरह का डिफेक्ट को हम ऑब्जेक्ट ओवरलैप कहते हैं। तो ये एक तरह का कंपैटिबिलिटी डिफेक्ट होता है। तो इसीलिए जब भी हम कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग करते हैं, तो इस तरह का हम डिफेक्ट फाइंड आउट करते हैं। हम देखते हैं कि मतलब हर एक ब्राउजर में ये सारी चीज़ मतलब एग्जैक्टली सेम आ रही कि नहीं। अगर कुछ प्रॉब्लम है, मतलब इस तरह का अगर प्रॉब्लम होता है, तो इस तरह का प्रॉब्लम होता है, इससे हमको पता चल जाता है कि इसमें कुछ ना कुछ कंपैटिबिलिटी इशू है। ठीक है, अब चलिए अब दूसरा एक और मैं अलग कुछ और डिफेक्ट आपको बताता हूँ। तो दूसरा, चलिए ईमेल ले लेते, जीमेल। ठीक है, इसमें मैं कुछ टाइप करता हूँ, चलिए कुछ टाइप कर लेते हैं। ओके, इसको कॉपी पेस्ट मान लेता हूँ, तब सही रहेगा, जल्दी होगा। देखिए कॉपी पेस्ट में मारा, अब देख पा रहे हैं ये स्क्रॉल बार जो है अप टू डाउन स्क्रॉल बार यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल बार नहीं आ रहा। आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये जस्ट वर्टिकल स्क्रॉल बार इसको बोलते हैं, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार आ रहा। अब सेम चीज़ मैं यहाँ पे यूसी ब्राउज़र तो नहीं, मोजिला फायरफॉक्स, इसमें मैं यूसी ब्राउज़र का यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि यूसी ब्राउज़र उतना सिक्योर नहीं होता है, तो इसीलिए उसमें आप लोग को भी नहीं करना चाहिए कोई भी लॉगिन, और कोई भी ईमेल आईडी लॉगिन वॉगिन नहीं करना चाहिए। तो ये देखिए कंपोज में मैं जाता हूँ, इसको बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ, वही सेम चीज़ मैं टाइप कर रहा हूँ। ये देखिए ये क्या बॉटम, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार बोलते हैं इसको। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है आपको, देखिए आप टाइप करते जाइए, देखिए यहाँ पे लेफ्ट टू राइट भी आ रहा है, टॉप टू बॉटम भी आ रहा है। ये क्या मोजिला फायरफॉक्स का है। और क्रोम में देखिए, अब मैं यही चीज़ सेम मैं इसमें टाइप किया हूँ, सेम चीज़ कॉपी पेस्ट किया हूँ, बट इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ टॉप टू बॉटम आ रहा है। तो इस तरह का जो इशू होता है, इस तरह का कंपेटिबिलिटी इशू को बोलते हैं स्क्रॉल बार इफेक्ट, स्क्रॉल बार कंपेटिबिलिटी डिफेक्ट। तो इससे क्या आप बोल सकते, क्योंकि देखिए अगर वेबसाइट सबने जो डिज़ाइन किया होता है वो एक ही कोड यूज़ किया जाता है, एक ही तरह का कोड, ये नहीं कि अलग अलग ब्राउजर के लिए अलग अलग कोड यूज़ किया जाता है, नहीं ऐसा नहीं होता, एक ही कोड से वो लोग वेबसाइट बनाते हैं। बट आप जब अलग अलग ब्राउजर लेंगे तो ब्राउजर में अलग अलग दिखाता है, इससे ये पता चलता है कि इसमें ब्राउजर में कंपेटिबिलिटी इशू है, मतलब इस ब्राउजर पर ठीक तरीके से वो कंपेटिबल नहीं है इस ब्राउजर के लिए। अब हम ये नहीं बोल सकते कि सच में उन्होंने जो बनाया था वो सिंगल स्क्रॉल बार मतलब टॉप टू बॉटम के बनाया था, या फिर टॉप टू बॉटम और लेफ्ट ये लेफ्ट टू राइट वाला किया था, मुझे ये बात तो वो जानते हैं। बट इससे आप ये चीज़ भी आप पता लगा सकते हैं। आप चार पांच ब्राउज़र लीजिए, चार पांच ब्राउज़र में आप सेम चीज़ सेम तरह का चीज़ आप इनपुट करके देखिए, और देखिए कि आप ज़्यादातर ब्राउज़र में किस तरह का मतलब इफेक्ट दिख रहा है। अगर वो चीज़ चार पांच ब्राउज़र में दिख रहा है और एक ब्राउज़र में कुछ अलग दिख रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वो जो चार पांच ब्राउज़र में जिस तरह का आपका लुक दिख रहा है, जो भी मतलब उसमें जैसा दिख रहा है, मतलब वही सही कोडिंग है, उसी तरह का एक्चुअली उन्होंने डिज़ाइन किया। और एक में जो कुछ अलग दिख रहा है, तो समझ लिए वो होता है वो डिफेक्ट है उसमें, उस ब्राउज़र मतलब वो जो वेबसाइट है, उस वेब मतलब जो उस नया वो वेबसाइट जो उस ब्राउज़र के लिए वो कंपेटेबल नहीं है। तो ये सब चीज़ें इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब तक मैंने आप लोगों को दिखाया कि क्या क्या डिफेक्ट्स ये कंपैटिबिलिटी में होता है। तो चलिए मैं एक और फाइनल फाइनल डिफेक्ट आप लोगों को दिखाता हूँ। ये मैं गूगल, सबसे बड़ा जो गूगल सर्च इंजन है, मैं गूगल के बारे में आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये क्या किस तरह का प्रॉब्लम गूगल में भी आता है, गूगल में भी कुछ कंपैटिबिलिटीज इशू है। मैं सारा ब्राउज़र पे खोल लेता हूँ गूगल। ठीक है, आपको ये देखिए गूगल डॉट कॉम मैं खोल रहा हूँ। ठीक है, अब आप देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ कैसा क्या प्रॉब्लम। ये देखिए गूगल डॉट कॉम, ठीक है, ये क्रोम ब्राउज़र। ठीक है,
आप यहाँ पे सब कुछ देख पा रहे हैं। यहाँ देखिए ये क्या है, वॉइस रिकॉर्डिंग है। यहीं यूसी ब्राउज़र पे देखिए, यहाँ भी आप देख पाएंगे ये यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डर एक फीचर है। बट यहाँ देखिए मोज़िला में, यहाँ पे आप देख नहीं पाएंगे वो चीज़ वॉइस वाला। ये माइक्रोसॉफ्ट एज में भी देखिए, यहाँ भी ये फीचर नहीं है। इससे क्या पता चल रहा है, उन्होंने डिज़ाइन तो किया, अगर वो डिज़ाइन नहीं कर किए होते थे उस चीज़ को, तो इन दोनों में भी नहीं आता था। इन दोनों ब्राउज़र जैसे क्रोम और यूसी ब्राउज़र में भी ये फीचर नहीं होता था। बट ये फीचर जब है और इन दोनों ब्राउज़र में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि इन दोनों ब्राउज़र में वो कंपैटिबल नहीं है वो फीचर। तो इसका मतलब ये जो गूगल सर्च इंजन है, इसमें भी देखिए कंपैटिबिलिटी इशू आ रहा है। तो ये जो कंपैटिबिलिटी इशू है, इसको हम लुक एंड फील बोलते हैं। और ये क्योंकि इसका लुक देखिए आप अलग है और उसका लुक अलग है, और ये फीचर ही मिसिंग है, मिसिंग कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये इस तरह के हम कंपैटिबिलिटी इशू देख सकते हैं। और मैं तो सिर्फ आपको अलग अलग ब्राउज़र में ये चीज़ दिखा रहा हूँ कि किस तरह से कंपैटिबिलिटी इशू आप चेक कर सकते हैं। आप यही सेम चीज़ को अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में भी डाल सकते हैं। आप ले लीजिए 2-3 लैपटॉप ले लीजिए, उसमें अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम लीजिए। किसी में एंड्रॉयड मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कीजिए। साथ में अगर आपके पास iOS है, लिनक्स है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ले लीजिए, और उसमें सेम आप सेम ही ब्राउज़र आप यूज़ कीजिएगा। बट और उसमें भी देखिए कि आप कितने सारे कंपेटिबिलिटीज इशू आएंगे आपको, अलग अलग ब्राउज़र अलग अलग वेबसाइट जब डालेंगे उसमें। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, ये कंपेटिबिलिटी इशू होती है। तो यही सब चीज़ें आप लोग को जो जब टेस्टिंग किया जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि आज के डेट पे कंपैटिबिलिटी सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर कंपैटिबल नहीं होता है कोई भी वेबसाइट या कोई भी, मतलब आप अगर कॉमन चीज़ ही ले लीजिए, अगर कोई डिवाइस आपके पास फ़ोन है और उसके साथ अगर कोई आप कुछ चीज़ ले रहे हैं, तो वो जो भी उसका जो भी आप ले रहे हैं ईयरफोन्स या चार्जर, तो वो अगर उस डिवाइस आपका मोबाइल फ़ोन से कंपैटिबल नहीं होगा, तो आप उस चीज़ को नहीं लेते हैं। तो उसी तरह सेम चीज़ सॉफ्टवेयर का भी बात होता है। ये और ये जो भी मैं बताया हूँ आपको, ये वेब एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें वेब एप्लीकेशन है। उसी तरह से आप स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, मतलब जो भी सिंगल यूज़र, मैंने आप लोग को बताया था कि सिंगल यूज़र जो यूज़ करता है, जो इंस्टॉल किया जाता है, वो सब स्टैंड अलोन होता है। फिर क्लाइंट सर्वर जो होता है, एप्लीकेशन होता है, जो भी मोबाइल ऐप है जैसे फेसबुक ऐप, फिर और भी जैसे गूगल क्रोम हो गया, वो भी एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन जो है मोबाइल में आप यूज़ करते हैं। क्लाइंट सर्वर, जिसमें क्लाइंट और सर्वर दो सॉफ्टवेयर होता है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले बताया है। तो ये सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर को अलग अलग तरीके से उसमें भी कंपैटिबिलिटीज टेस्टिंग किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग के अंदर आती है। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आई गेस मैंने आप लोग को अब तक जो भी बताया, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग के बारे में। और अगर आप लोगों को कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए। अगर वो कुछ बड़ा इशू रहा तो मैं उससे रिलेटेड एक नया वीडियो बना दूंगा, जिससे आप लोग को समझ में आ जाएगा। और अगर छोटा मोटा कुछ डाउट रहा, तो मैं कमेंट बॉक्स में ही आप लोग को उस क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा, जो भी आप लोग को डाउट रहेगा। और चलिए आज का तो जो सेशन था यहीं पर समाप्त करते हैं। और प्लीज़ मेरे, आप लोग को अगर पसंद आया ये वीडियो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि सारा का सारा नए वीडियो जो भी मैं लेकर आऊँ, आप लोग को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग इसी तरह से नए नए चीज़ें सीखते रहें। तो चलिए, थैंक यू आज के लिए, और फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में। धन्यवाद।